लखनऊ और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला तो काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा, लेकिन बारिश के बाद रोहित शर्मा का तूफान जमकर देखने को मिला। तो चलिए बताते हैं आपको अंतिम दो ओवर के पूरे रोमांच के बारे में। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 214 रन जड़ दिए थे। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही थी, पाडेकल शून्य के स्कोर पर आउट हुए, लेकिन स्टोनिस ने 22 गेंद में 28 रन बनाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बल्लेबाजी पर जब आए निकोलस पूरन ने अपनी घातक बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। सिर्फ 29 गेंद में 75 रन की पारी खेली तो राहुल ने भी 40 गेंद में 55 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 10 गेंद में 22 रन अंत में ठोक दिए, जिसके चलते 20 ओवर में 214 रन तक के मजबूत स्कोर तक टीम पहुंच गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो अच्छी रही थी, शुरुआत में तीन ओवर में 33 रन थे और इस बीच बारिश हो गई। यहां तक लखनऊ की गिरफ्तार में मैच था, लेकिन उसके बाद बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ तो रोहित शर्मा का कर जमकर टूटा। उन्होंने सभी गेंदबाजों का धागा खोला और आक्रामक शॉट लगाए। बता दे कि सिर्फ 8 ओवर में लगभग 80 रन के आंकड़े को टीम ने छू लिया था। यहां से ऐसा लग रहा था कि रोहित अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला देंगे, लेकिन ब्रेविस 23 रन पर आउट हुए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव तो इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सके, 89 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे और 10वें ओवर का खेल जारी था। यहां से टीम के ऊपर दबाव बनता चला गया। रोहित शर्मा 38 गेंद में 68 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद तो मुंबई इंडियंस की टीम की कमर टूट गई। अलग ही कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आकर एक छक्का चौका जरूर लगाया, लेकिन 16 रन के स्कोर पर मोहसिन खान की गेंद पर आउट हुए। 6 ओवर में जीत के लिए 96 रन की जरूरत थी। ईशान और बडेरा क्रीज पर थे, उसके बाद बडेरा भी आउट हो गए। नमन धीर और ईशान किशन बल्लेबाजी पर थे, हालांकि नमन ने थोड़ा प्रयास जरूर किया, कुछ ज्यादा चोट भी लगाए 17 ओवर में 149 रन से, और मुकाबले उनकी पहुंच से बेहद दूर जा चुका था। 3 ओवर में जीत के लिए 66 रन की जरूरत थी, लेकिन कोशिश तो करी, लेकिन अंत में यह मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम नहीं जीत सकी और लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करी।